हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रत्युष और मैं वेलकम करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पेट पैलेस में। फ्रेंड्स, आज तो देख रहे होंगे कि उड़ीसा में कितना ज़ोर से गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ही हाई है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं जो बहुत ही खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है मिक्स सीड के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मेरे शरीर से कितना सारा पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं आपको जो मिक्स सीड दिखाऊंगा वो है बारिश के लिए। मतलब अभी जो सीजन है तो अभी समर का सीज़न ख़त्म होने वाला है, बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो अभी दो चार हफ्ते में मेरे हिसाब से, दो चार हफ्ता नहीं, मान लीजिए 15 से 20 दिन के अंदर, दो ही हफ्ते में बारिश स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़ोर से। तो उसके हिसाब से बहुत ठंड भी पड़ेगा, बारिश में थोड़ा बहुत ठंड पड़ता है फ्रेंड्स। तो बारिश का हिसाब से मैं आपको आज मिक्स सीड बना के आपको दिखाऊंगा, वो भी स्पेशली बजीज के ऊपर, जो हॉलैंड बद्री होगा, हुगोरम बद्री होगा और नॉर्मल बजीज भी फ्रेंड्स, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गर्मी में बाढ़ से ब्रीड नहीं लिया जाता है, फिर भी फ्रेंड्स मेरा जो ये वाला हॉलैंड बद्री का पेयर है ये कंटिन्यू ब्रीड करते जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 ठो अंडा दिया था, उसमें से 3 ठो बच्चा निकल गया है और 2 शायद निकल भी सकता है। तो हम इसको रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं फ्रेंड्स, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसने अंडा दे दिया है, तो क्या करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज है। मैं 2 दिन से मेरे फार्म में नहीं आ पा रहा था। सन कनूर का फास्ट चिक फ्रेंड्स, इस क्लच का, और भी फ्रेंड्स आपको प्रोग्रेस दिखानी है। देखिए, ये ब्लू मास्क का मेल और कोबाल्ट मास्क का फीमेल है, और इसका भी फ्रेंड्स प्रोग्रेस आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, छह ठो अंडा दिया था, उसमें से 1 बच्चा निकल गया है और भी निकलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं गर्मी में बर्ड्स ब्रीड नहीं करते या उनको करवाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से वो बात सही है, लेकिन अगर आप उनका एनवायरनमेंट ठीक रखते हैं तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ रहे हैं कैसे हम बनाएंगे मिक्स सीड। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको लेना है 2 kg नॉर्मल मिलेट, मतलब सादा कंगनी दाना, और उसके बाद लेना है हमको रेड मिलेट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला है रेड मिलेट, लाल कंगनी। उसके बाद लेना है ब्लैक मिलेट, ये है काला कंगनी, और ये है फ्रेंड्स बकव्हीट। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का रहता है बकव्हीट, और उसके बाद सनफ्लावर सीड, और ये है फ्रेंड्स हमारा ओट्स, और उसके बाद है नाइजर। तो किसको कितना मिलाना है मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और फ्रेंड्स, इसको छोड़कर हमको और भी कुछ मिलाना है, जैसे कि कैनरी सीड और वाइट मिलेट और माइलो, वो सब तो फ्रेंड्स अभी मिल नहीं रहा है लॉकडाउन के वजह से, जब मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा लूँगा। हाँ फ्रेंड्स, ये पहले का हमारा गया नॉर्मल कंगनी, जो सादा कंगनी दाना बोलते हैं वो वाला, हमको ये 4 kg डालना है। हो गया, उसके बाद कुसुम दाना हाफ हाफ, ये 50 ग्राम्स,
उसके बाद सनफ्लावर सीड 50 ग्राम्स। हाँ, और उसके बाद ये बकव्हीट, ये 100 ग्राम। और उसके बाद ओट्स, ये 50 ग्राम्स। है गला। और उसके बाद रेड मिलेट, ये 100 ग्राम्स। और एक फुल। हाँ, और ब्लैक मिलेट, वो भी 100 ग्राम। और उसके बाद नाइजर सबसे आखिर में, वो 50 ग्राम। और आखिर में हमारा ऑप्टिमम का दाना। ये फ्रेंड्स, ये है मछली का दाना, इसको भी हमको 100 ग्राम डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी बर्ड्स को एनिमल प्रोटीन भी थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो होता है वो नेचर में थोड़ा कीड़ा वगैरह खा लेता है, और जो हम तो कीड़ा नहीं दे सकते, इसीलिए जो फिश फूड रहता है उसमें ड्राई फिश मिला हुआ रहता है, इसलिए हमको डालना पड़ता है। और आखिर में उसको अच्छे से मिलाना है फ्रेंड्स। कौन सा सीड कितना मिलाना है, इसका मेन तो कोई रेशियो नहीं होता, लेकिन मैं क्या मिलाता हूँ मैंने आपको दिखा दिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कोई भी नहीं देता है, ये जो है हमारा मछली का सीड से मछली का दाना, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, ये ब्रीडिंग में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग देते हैं एक फूड, फ्रेंड्स आप एक बार सोचिए हम लोग एक फूड क्यों देते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइप का एनिमल प्रोटीन है, और ये जो मछली का दाना है ये भी एनिमल प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट टाइम जब दीजिएगा उसमें मछली का दाना ज़रूर मिला के दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।